हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिएटिव फैमिली चैनल। और आज हम टीपू सुल्तान बनाने वाले हैं। उनके अंदर शेरों जैसी ताकत थी और आज हम उनकी ही ड्राइंग बनाने वाले हैं। अगर आपको भी ये बनाना है तो मेरे साथ साथ आप इसे फॉलो कर सकते हैं और प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। और शायद पिछली बार कमेंट ऑफ हो गए थे तो इस बार मैं कमेंट ऑन रखने का ट्राई करूंगी। तो गाइज, हमारी ड्राइंग बस कंप्लीट होने वाली है, थोड़ा सा कलर बचा है। और ये आपको कैसा लगे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपको ये अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारी वीडियो में कुछ मिस्टेक है तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम इससे अच्छा करने का ट्राई करेंगे। गाइज, अभी हम कलर कर रहे हैं। पहले मैंने रेड कलर से थोड़ा कलर करा है, उसके बाद में मैंने ऑरेंज कलर से कलर किया है और फिर उसको कॉटन की मदद से उसे ब्लेंड कर लिया है, आप देख ही सकते हैं। जिससे एकदम अच्छा शेड आता है, इसीलिए हमने रेड कलर का यूज किया है। और यहाँ पर डर रहता है कि वो उसमें ना चले जाए ऑयल पेस्टल, इसलिए पेंसिल कलर का यूज हम इधर करते हैं। अभी यहाँ पर हम ले रहे हैं डार्क ग्रीन और लाइट ग्रीन कलर। तो पहले हमने डार्क ग्रीन कलर किया है, फिर उसके बाद हम लाइट ग्रीन कलर कर रहे हैं, सेम उसी तरह जैसा हमने ऑरेंज को किया था। अभी हम इसे कॉटन की मदद से कर रहे हैं। ग्रीन कलर सही से हो नहीं रहा था तो इसीलिए मैंने बहुत ज़्यादा टाइम लग गया इसमें। और यहाँ पर मैंने वाइट कलर से ऊपर की लाइन बनाई है। यहाँ पे भी मैंने पेंसिल कलर का यूज़ किया है और यहाँ मैं ब्लेंड कर रही हूँ। और यहाँ मैंने वाइट कलर यूज़ किया है ऊपर भी और नीचे भी। और ये बस हमारा बनके रेडी होने वाला है। ये है इसका फाइनल लुक। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा।